अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा वेडनेसडे का व्लॉग। तो बस उठते ही मैं आ गई थी अपने किचन में। बेचारे सुबह का अलार्म लगा के सोई थी बट मेरी आँख ही नहीं खुली। अब खैर मुझे एक ही केक रेडी करना था, मैंने इसको गर्म कोट करके रात में ही रख दिया था। तो बस इसकी जो है ना डिज़ाइनिंग करनी थी और ये फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी तो मुझे जो है ना थोड़ा सा डर लगा हुआ था। तो बस ये जो है ना लेकिन बहुत प्यारा प्यारा बन गया था। तो बस मैंने इसका केक का काम स्टार्ट किया था, बस उसके बाद ही मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी करना था। तो बस मैंने जो है ना इसकी काम पे मैं लगी, मैंने जो है ना क्रीम भी रात में ही विप करके रखी थी लेकिन सुबह इसको और अच्छे से मैंने अगेन विप किया था। बस फिर मैंने अपना जो है ना केक रेडी करा यहाँ पे और ये लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उनको भी बहुत पसंद आया, उन्होंने जो फर्स्ट टाइम उसे केक बनवाया है और ये जो है ना बंदा मैंने बनाया है जी फर्स्ट टाइम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में से हर केक जो है ना फर्स्ट टाइम में ही अच्छा बन जाता है। अच्छा जी, तो रात के खाने की बारी आ गई थी तो मैं लड़ रही थी यहाँ पे टिक्कों से। अच्छा जी, तो इनसे लड़ते लड़ते ना एक जना था जी आत्महत्या करने, तो मैंने इसको पकड़ा और जो है ना बस मैं इसको फ्राई करी थी। मैंने ग्रीन मसाले वाली चिकन ये बनाई थी। मैंने ये सोचा था मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको ग्रिल कर लूँगी ताकि अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि जब टिक्के बड़े होते हैं ना तो ये फिर गलते नहीं हैं। तो मैंने बस इनको जो है ना रखा दिया था अपनी सीक पे और मैंने इसको डाल दिया था ओवन में। ऊपर से ग्रिल ऑन कर दी थी मैंने और इसको अच्छे से ग्रिल किया आधे से पौने घंटा। तो बस इसी दौरान मैं जो है ना केक डिलीवर होना था वो मैंने दे दिया और अपने किचन का जो है ना हालत थोड़ी सी दुरुस्त की। हालांकि दिन में ही मैंने काम कराया बट उसके बाद भी जो है ना किचन का हाल बुरा ही हो जाता है। तो बस ये जो है ना घूम घूम रहे थे, मैं इनको देख देख रही थी, मैंने जल्दी जल्दी पक जाए और मैं खा जाऊँ। तो बस ये पक गया था और ये बड़ा टेस्टी बना था। मैंने कुछ ज़्यादा ही सॉसेस ले ली थी इसके साथ। तो बस मेरा आज का व्लॉग था इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।